जैसे नापा तकल पानी वगैरह सब कुछ वैसे करूँ। हाँ, इसमें तो बर्फ जमा नहीं रहा। गुस्सा देखो, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो मैंने क्वेश्चंस पहले निकाल रखे हैं और इन दोनों से पूछेंगे और बाद में ये मेरे से भी पूछेंगे। दो ऑप्शन दूंगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम या सुलेमान अलैहिस्सलाम। सोने ने एक बताया उसमें मक्का में। तुम तो रुक तो जा, सोनिया जी को नाजिया जी क्वेश्चन पूछने वाली। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी फरहा चौधरी एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई हमारा आज का दिन स्टार्ट हो चुका है, पर मेरी इस हालत में स्टार्ट हुआ क्योंकि रात मैंने ऑयलिंग वगैरह करी थी तो सोनिया जी ने करी थी मेरी, बहुत मज़ा आ गया। और अभी नहाई नहीं हूँ, टाइम नहीं मिला नहाने का, अब नहाती हूँ। पर उससे पहले दिखाती हूँ कि मैं आज पहनने क्या वाली हूँ। तो चलो जल्दी से चलते हैं अंदर और अंदर अंदर रूम में और दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। चलो मैं पहनने वाली हूँ ये, अब जल्दी से मैं नहा के आती हूँ और फिर पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। जल्दी से एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, 1 2 3। तो मैं आ गई हूँ नहावा कर और नमाज भी पढ़ ली। अब दिखाती हूँ परीन क्या कर रही है। तुम दिखाती परीन क्या कर रही है तू? पोटली बैग। कैमरे के आगे मेरा हाथ आ गया। वो खुद से बनाएगी, बाहर से नहीं, मार्केट से भी तो मिल जाती है। इतनी तेज बोल रही है ना, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। अपने सूट के मैचिंग की खुद रेडी करूंगी। चलो अच्छी बात है, कर ले जल्दी। वो फोन में देख देख के सीख रही है। अभी तो न्यूज़पेपर पे भी बनाया था, कहाँ गया? कट गया था कपड़े पे देखने। सही बन गया था? नहीं। और सोनिया जी ने फिर से मीशो से सूट मंगाया पर इन्हें फिर पसंद नहीं आया। नहीं मुझे पसंद आ गया। तो फिर बस इसके अंदर वो ये तार है, पहन के देखा तो चुभ रहा है। सो अब हम आ चुके हैं किचन में। तो परीनी अपना पूरा सामान वगैरह कट कर रही है। बहुत देर बाद जाएगी? हाँ सब बहुत देर बाद जाएगी। तो आज नहाई भी लेट। और मैं सोच रही हूँ आज रूअफ़ा बनाऊँ, जैसे कल टैंक बनाया था ना। हाँ रूअफ़ा भी बनाऊँ, उसी के अंदर बना लूँ ना। टैंक के अंदर? टैंक के अंदर नहीं पागल, अरे उसके मिक्सर के अंदर, जूसर के अंदर, क्योंकि 2 सेकंड में बन गया था। मैंने बहुत देर तक घुमाना पड़ेगा। बनाओ। तो फरहान भी बोल रहा है आज वो बाहर गया है तो उसको खैरा प्यास लग रही है। चलो चलते हैं आगे की चीज़ें, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। इसे क्यों बंद कर रखा है? मैं कह रही हूँ अंधेरा क्यों आ रहा है? कि हमारी दो हरी मिर्च और आज का मौसम कितना सुहाना है। क्या है? हाँ तू दिखा। अच्छी ऐसी चीज़ें मत दिखाई, मुझे अजीब सी लगती है। ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब बच्चे से अच्छी लगती। तो जैसे नापा था कल पानी वगैरह सब कुछ वैसे करूँ? हाँ। इसमें तो बर्फ जमा नहीं रहा कल तुम्हें, तो मैं लेके आती हूँ। काम करूँ मैं? इसे बोलना नहीं आता। भूख रही हूँ। मेरी बोतल पूरी है 5 गिलास तक। नाप नाप के एक बोतल और डाल दूंगी। सही मिलेगा मुझे, सब ना माफ करके आती हूँ। दुआ खड़ी हो जल्दी से, दिखाओ आज क्या पहना है आपने। जल्दी से खड़े होके दिखाओ, जल्दी से सबको क्या पहना है। नहीं दिखाओगी? अब ये गंदी हरकतें करेगी। दिखाओ जल्दी से सबको। अच्छा इधर देखो, इधर देख लो, बस इधर देखो। तेरा तो देखो, गुस्सा देखो, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। आ आ आ आ कह रही हूँ, भाभी से कह रही हूँ, भाभी को फ़ोन फेंक रही है। सो मैंने सोचा है आज क्यों ना कुछ अलग करा जाए व्लॉग में। तो मैं कुछ इस्लामिक क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ सोनिया बाजी और फरहीन से। तो बस वहीं यहाँ बैठेंगे और स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस पहले निकाल रखे हैं और इन दोनों से पूछेंगे और बाद में ये मेरे से भी पूछेंगे। पहले अभी एक भी पूछा नहीं, और पहले मेरे लिए स्टार्ट हो गई। ठीक है
पहला क्वेश्चन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? ऑप्शन तो आई थिंक तीन ऑप्शन दे, ऑप्शन पांच छह या तीन? तीन। चलो ये ठीक है सवाल, पर थोड़ा इतना सोचो मत, बताओ ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को भी बताना है कि लास्ट में जाके कि आप लोगों के कितने जवाब सही थे, हमारे से मैच कर रहे थे, ठीक है? ठीक है। सो लॉक तो खोल दो भाई, मेरा फोन यहाँ लगा हुआ है ना, तो इसलिए सोनिया जी के फोन से पूछ के इधर हो जाओ, मुझे सोनिया जैसे लग रहा है कैमरे से आउट जा रही है। परी फोन में मत झाक, परी फोन में झाक रही है। ओके आप लोगों के यहाँ भी गर्मी हो गई है, तो बहुत गर्मी हो गई, इसलिए पंखा बंद कर रखा रिकॉर्डिंग करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो कौन से नबी थे जो जानवरों से बात करते थे? वो थे वो, ऑप्शन दे, ऑप्शन ऑप्शन दे, नाम से दो ऑप्शन दूंगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम या सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये मत ठीक है, चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, हाँ कौन से नबी थे जो जेल गए थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये तो मेरा पूरा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्योंकि उसका तो पूरा हमने सीजन देखा है, वो अच्छे से हमें बिल्कुल याद है। वो कौन से नबी थे जिन्होंने काबा बनाया था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यस बनाया था, अच्छा अलैहि वसल्लम, उसकी वो तो बुनियाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखवाई थी। चलो ये इसमें परहीन जीत गई, ठीक है, सॉरी। ओके, वो कौन से नबी थे जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से बात की थी? मूसा अलैहिस्सलाम। और सोनिया बाजी को भी काफी नॉलेज है, अभी तक तो दोनों बराबर बराबर चल रही हैं। दो बताया मैंने, सोनिया ने एक बताया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम, हाँ, क्योंकि हमने पूरा सीजन देखा था, ये तो एकदम से बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, थोड़ा सा हो जाता है, ये हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। या बिल्कुल सही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम कहाँ पैदा हुए? उसमें मक्का में, हाँ उसमें मक्का। 571 माशाल्लाह, ये भी चीजें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। और दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। दादा का तो पूछे नहीं, अब्दुल्ला। करेक्ट, एक कदम आगे चल रही है सोनिया जी, ठीक है, बढ़िया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? तो याद रहता था, पढ़ के हमने छोड़ दिया, तो इसलिए माइंड से स्लिप हो जाता है, इसलिए ग्रेजुएशन पढ़ते रहना चाहिए। दीन याद का था, और दीन बारे में, इस्लाम के बारे में पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम मदीना में कितने साल रहे? बता बता, 21 साल है? नहीं, नहीं, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दे दे। 15 साल, हाँ, 6 साल, हाँ, 10 साल। 15 साल, मैं मुझे नहीं पता, 15 साल। तो ये इन दोनों का ही गलत जवाब है, 10 होगा फिर, 10 साल रहे थे मक्का। 15-10 है, 5 तो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को नबुवत कब मिली? कितने साल में मिली थी? 21 साल में, नहीं 21 साल, नहीं सही, ऑप्शन दियो, 35 साल, 40 साल,
या 50 साल 35 साल 40 साल 50 साल मैं 35 साल की उम्र में मिली इतने नबूर पक्का इनशाला ये सही नहीं है 40 साल की उम्र में मिली थी। अब जो मैं पूछ रही हूँ वो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद फरहीन और सोनिया जी पूछेंगी, ठीक है? ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? चार। रुकैया, ज़ैनब, फातिमा, एक और थी, नाम याद नहीं आ रहा। रुकैया, ज़ैनब, फातिमा, हाँ ये बेटियां थी उनकी, रुकैया, ज़ैनब, फातिमा और पक्का सही है, बिल्कुल चार बेटियां थी उनकी। चौथी का नाम पता था? मुझे नहीं पता नहीं पता भाई, ज़ैनब, फातिमा, अभी मैं देखती हूँ फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। कॉमन सा नाम है। हमने तीनों नाम बता दिए थे आपकी बेटियों के नाम, तो उनका फोर्थ क्या था बेटी का नाम? उम्मे कुलसुम। तो चारों कैया, फातिमा, उम्मे कुलसुम, तो आज हमें भी पूरा मतलब पता चल गया और आप लोगों को भी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना गुफा में जाके इबादत किया करते थे, उस गुफा का क्या नाम? मतलब उन्हें ना अकेले में इबादत करना जैसे पसंद थी, तो उस गुफा में जाके करा करते थे। वो दिखाते भी जब उम्रा वो करने जाते हैं, हज करने जाते तो गुफा बताऊं मैं तुझे पता है गारे हीरा गारे गारे हीरा। एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लो। हजरत आदम अलैहि सलाम जब दुनिया में आए तो उन्होंने सबसे पहला लफ्ज कौन सा बोला था? बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तुक्का मारा? ये सब एक बोल रील्स में पढ़ा होगा, रील्स में देख लिया होगा। हाँ रील्स में इंस्टाग्राम पे जो गंदे लड़कियों को फॉलो करने से अच्छा है जो दीनियात के इतने अच्छे पेज बना रखे उन्हें फॉलो करें, तो आपके पास ऐसी ही रील्स आएंगी। मैं एक क्वेश्चन और पूछ, मैंने वही देखी है तो उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर पता चलता है। आदम अलैहि सलाम बिना बाप से पैदा थे, सबसे पहले वही ही है, मतलब जो इंसान है जो दुनिया में उतारे गए थे, उनके अलावा वो कौन से नबी हैं जो बिना बाप से पैदा थे? ईसा अलैहि सलाम। ये मुझे नहीं पता था। कुरान शरीफ की कौन सी सूरत को कुरान शरीफ का दिल बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बैक कैमरा खड़ी है और एक एक आंसर टिक टॉप दे रही है, सामने आ जाती है, लाऊंगी जल्दी ने भी सामने लाऊंगी। माशाल्लाह। नाज़र जी बताएंगे नाज़िया जी क्वेश्चन पूछने वाली है, उनका जवाब देना, पूछो। जो हमारे हुजूर की पहली शादी हुई थी वो खतीजा से हुई थी, तो उनकी एज कितनी थी, मतलब हुजूर की एज कितनी थी? उनकी एज 25 थी शायद। हाँ 25 थे। और उनकी जो वाइफ जो खतीजा की, ये तो पता है मुझे, 45 साल बड़ी थी, 40 थी। मुझे 40 याद था, 45 याद था। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरे बकरा। चलो राय तुम बताओ, कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? वो अरे तेज बोलना थोड़ी, फोन में आवाज हल्की आएगी ऐसे बोलते। अरे मेरी आवाज ना हैंड फ्री लगा के ना हमारे ब्लॉग देखना, हमारा फोन हमारा ब्लॉग हमारा ब्लॉग ना हैंड फ्री लगा के देखना। अब ये भी इतनी हल्के गाई, ये भी सुनाई नहीं दिया होगा, हैंड फ्री सुनाई दे जाएगा। चलो अब हमने सवालों का पिटारा यहीं खत्म करते हैं। पूछना एक दो तो पूछो ना जल्दी, कल पूछोगी क्या? याद ही तो नहीं, पहले तो पोस्टर मत समझ में आ रहा, मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊं? तो सोनिया जी को क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे, वो किस तरीके से पूछे जाए मतलब। तो अब हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग कहोगे तो इसका सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी, पर इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, कॉमेंट करो, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। ऐसे करो तीनों, नहीं अल्लाह हाफिज, सोने से करो ना, नहीं ये सब नहीं आता मुझे।